आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मानवी, मानवी बेटा किससे बात कर रही तू? डब्बू मुझे बता रहा था कि जीविका कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेरा मोबाइल व्यस्त आ रहा है। लेकिन इतनी बात तू किससे कर रही है? ला फोन दे। देखो मानवी, दवाई ना टाइम पे लो, दवाई से कोई मजाक नहीं। अगर तुम दवाई टाइम पे नहीं लोगे तो ठीक है। गुड नाइट फ्यूचर मम्मा। गुड नाइट मनु। क्या बात है जीविका, सब ठीक तो है ना? प्रेम जी, एक तरफ इस नई खबर से मैं बहुत खुश हूँ, पर दूसरी तरफ मानवी की बीमारी के बारे में जब भी सोचती हूँ बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं मनु को इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान मानवी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। सॉरी यार, मुझे बस थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि तू तो बाहर मानने की बात करने आया था और मैंने बीच में बात करके सारी गड़बड़ कर दी। सॉरी। नहीं भाई, I'm so happy for you. You know what? आपने कुछ बिगाड़ा नहीं बल्कि और सवार दिया। इस खुशखबरी को सुनकर घर वाले इतने खुश हैं, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स। अगर मैं इस वक्त मानवी और मेरे बारे में उनसे कुछ मांगूंगा ना 90%। हाँ really? खैर ये सब छोड़ना है, ये सब मैं बाद में बात करेंगे। अभी हम आपके और मेरी नई प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। यार जब से मैं सुना है कि मैं चाचा बनने वाला हूँ मैं तो खुशी से पागल हो गया। ये बताओ, जब से आपको ये पता चला कि आप पापा बनने वाले हो कैसा लग रहा आप? यार फीलिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। तो जानता है विराट, बहुत छोटे थे जब डैड चले गए, 7 साल का था और तो 4 साल का। विराट, जिंदगी में हर चीज मिली, बस एक पापा का प्यार नहीं मिला कभी। लेकिन मैं अपने बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि उसे इस कमी का एहसास कभी ना होने पाए। खुश हूं यार। You know what? इस मामले में मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मुझे पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा भाई है जिसने कभी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। You know what? You're a super pro. And I'm sure you're gonna be a super dad. You'll be a super chacho. Super maasi Manvi ka message. वैसे भाई भाभी ने अभी तक मानवी को नहीं यार अभी तक बताया नहीं, और प्लीज तू भी मत बताना, फिलहाल चाची और माम के साथ है, ठीक है? हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खुद से कभी याद नहीं कर सकते क्या? जरूरी है जब मैं तुम्हें मैसेज करूंगी तभी तुम मुझे याद करोगे। पता कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। अच्छा, क्या कहा घर वालों ने? हाँ या ना? ओके 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 ओके। जिस स्पीड में तुम सवाल पूछ रही हो उस स्पीड में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक बात है, इस वक्त घर के लोग काफी खुश है। खुश है? खुश है मतलब हमारे प्यार को ग्रीन सिग्नल मिल गया? नो मैडम, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। वो क्या है ना, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई थी लेकिन एंड मोमेंट में मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। क्यों? तुमने अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं बताया? मानवी, इतनी बड़ी न्यूज़ है ना, ये तुम डिस्को क्या
सालसा, मैम्बो, पंजाबी सारे डांस करोगी। पर क्या? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन कुछ देर रुको, तुम्हारे पास एक कॉल आएगी। कॉल? किसका कॉल? हेलो पार्टनर, इतनी रात को मुझे कोई कॉल नहीं करने वाला है, मेरे कोई दर्जनों बॉयफ्रेंड्स नहीं है। तुम्हें आते होंगे कॉल आती आधी रात को तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स के, तुम ही फोन का वेट करते रहो, मैं नहीं करूंगी। ये मनु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? लैंडलाइन पे ट्राई करती हूँ। हेलो डब्बू। जीविका दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। देखना डब्बू, मैं मनु का फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा, कहाँ है वो? अरे अभी तो हमारे साथ डिनर कर रही थी, शायद अपने कमरे में गई होगी। जीविका दी अगर वो जाग रही है ना तो मैं अभी आपसे बात करवाता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज करवा देना। ओके। अच्छा ये तो तुम्हें मुझे आई लव यू बोलने से पहले सोचना चाहिए था विराट। पहले तो तुम बड़ा बोलते थे मानवी आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, और तुम अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पका रही हूँ। मानवी मुन्नू बैंड बजी। विराट बीजी आ रही है, अगर बीजी को पता लग गया मैं इस वक्त तुमसे बात कर रही हूँ तो। मानवी, मानवी बेटा किससे बात कर रही है तू? तबू मुझे बता रहा था कि जीविका कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेरा मोबाइल व्यस्त आ रहा है। लेकिन इतनी बात तू किससे कर रही है? ला फोन दे। देखो मानवी, दवाई ना टाइम पे लो, दवाई से कोई मजाक नहीं, अगर तुम दवाई टाइम पे नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? विराट फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं। ओके बेटी। जल्दी से जीविका से बात कर ले और चुपचाप सो जा, किसी और से बात मत करना, ठीक है? तुमने मानवी को खबर सुनाई नहीं सुनाई? कैसे सुनाओ वीरेन जी, कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रही थी, बिजी आ रहा था। महारानी को अब जाकर फुर्सत मिली। मन्नू रानी किससे बात कर रही थी? कम से कम 10 बार मैंने तेरा फोन ट्राई किया होगा। सॉरी दी, वो मैं अपने बॉय आई मीन आपके देवर से बात कर रही थी। अच्छा तो मतलब तुम दोनों की लव स्टोरी ने फास्ट ट्रेन पकड़ लिया है, लंबी लंबी बातें भी शुरू हो गई। हाँ तो अभी प्यार हुआ है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना। ये सब छोड़ो, आप बताओ आपने क्यों कॉल किया था, क्या हुआ? हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। क्या होने वाला? तेरा प्रमोशन। मेरी कोई जॉब वॉब नहीं है दी जो मेरा प्रमोशन होगा। अरे पगली, प्रमोशन सिर्फ जॉब में थोड़ी ना होता है, रिश्तों में भी तो होता है। रिश्तों में? हाँ मनु, क्या तुझे सारी उम्र सिर्फ मेरी बहना बन के रहना है? मासी नहीं बनेगी? 1000 में मेरी बहना अब मासी बनने वाली है, मनु मासी। मन्नू मासी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दी दी अब क्या बोल रही हो? यस 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 दी, मतलब अब पापा बनने वाली हो? नहीं मम्मी। हाँ ओह गॉड मैं क्या बोल रही हूँ दी, आई एम सो सॉरी, आप मम्मी बनने वाली हो, जीजू डैडी। आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मैं मन्नू मासी बनने वाली हूँ। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी मैं क्या करूँ। मेरा मन कर रहा है मैं अभी वहाँ पे आके आपको गले से लगा लूँ। आपने इतनी बड़ी न्यूज़ दी है। वैसे आपको पता कब चला? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? मतलब मैं 2 घंटे पहले मासी बन गई और आप मुझे अब बता रही हो? गॉड दी, आपने 2 घंटे की खुशी मुझसे छीन ली, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब तो मैं अपना कैंसर सब भूल जाऊंगी। वर्दी साथ साथ ना मुझे अफसोस भी है। देखो ना, शादी से पहले तक मैं आपकी लाइफ में नंबर 1 थी, पर शादी के बाद वो जगह जीजू ने ले ली तो फिर मैं रोल नंबर 2 हो गई, और अब आपका बेबी आने वाला है फिर मेरा रोल नंबर 3 हो जाएगा। धीरे धीरे मैं आपसे दूर जाती जा रही हूँ दी।
नहीं मनु, तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। मेरे दिल में जो जगह तेरे लिए शादी से पहले थी वही आज है, और मम्मी बनने के बाद वही जगह होगी। तू भूल गई क्या, हमारा तो खून का रिश्ता है। कैसे भूल सकती हूँ दी? पर अभी इस वक्त तो सिर्फ मुझे अपने कानों में मन्नू मासी की गूंज सुनाई दे रही है। दी, मैं एक खुशखबरी ना बीजी को देके आती हूँ, वो सुनेंगी ना तो बहुत खुश होगी, उछल पड़ेंगी। क्या बीजी वापस आ गई? सुन मनु, मैं उन्हें खुद बताऊंगी। जीविका बेटा, पीजी को एक खुशखबरी मैं खुद देना चाहती हूँ। अभी तो बहुत रात हो गई, मैं कल सुबह फोन करके बताऊंगी। जी मनु सुन, माँ बीजी को कॉल करके बताएंगी, तू कुछ मत बोलना ठीक है? वर्दी, मैं रात भर इस न्यूज को कैसे अपने पेट के अंदर सील करके रखूंगी, कहीं लीक हो गई तो। मनु तू ठीक तो है ना? दी मैं एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, तू सो जा। दी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली है, और वैसे भी मेरे से ज्यादा जरूरत आराम की इस वक्त आपको है, तो प्लीज आप जाके रिलैक्स होके सो जाओ। ठीक है मेरी माँ, मैं भी सो जाऊंगी, लेकिन तू अभी सो जा ठीक है? ओके दी, मैं सो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ गुड नाइट फ्यूचर मम्मा। गुड नाइट मनु। क्या बात है जीविका, सब ठीक तो है ना? प्रेम जी, एक तरफ इस नई खबर से मैं बहुत खुश हूँ, और दूसरी तरफ मानवी की बीमारी के बारे में जब भी सोचती हूँ बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं मनु को इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान मानवी के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करेगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।